नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा, आपको मालूम नहीं है। राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में। जदयू के एक बड़े हिस्से द्वारा आयोजित किए गए स्वाभिमान दिवस के कार्यक्रम पर नीतीश कुमार के भाषण के दौरान ही जमकर बवाल हुआ। दरअसल कई लोग मंच के सामने आ गए और नारे लगाने लगे। इन लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नारे लगाए, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार काफ़ी असहज हो गए। उन्होंने अपने भाषण को रोका और आनंद मोहन की पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए हमने किस तरीके से उनको मदद किया है, आप इस तरह से चिल्लाओगे तो लोग कुछ और समझ जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार का और इस तरीके का विरोध का बहुत पुराना साथ रहा है। नीतीश कुमार के लगभग सभी कार्यक्रमों में इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। आज महाराणा प्रताप के कार्यक्रम के माध्यम से जदयू अपने वोट बैंक के विस्तार को लेकर कार्य करने वाली थी, लेकिन फिर एक बार ऐसी घटना हो गई जिसके चलते नीतीश कुमार और इस कार्यक्रम की फजीहत होनी तय। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से नीतीश कुमार के मंच के सामने कई लोग आकर नीतीश का विरोध करते नजर आए, नीतीश कुमार से मांग करते नजर आए और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन करते नजर आए। पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जानते ही नहीं हो। अभी भी हम सोचिए आपको इसके लिए चुप बैठो, शांत रहो, ये सब की चिंता मत करो। और आप लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति में वो जो भी करें, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जॉर्ज साहब के साथ हम सब लोग गए थे जेल में, और आप सब लोगों को मालूम है, भी गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी। हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं, तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब इस सब बात काहे करते, शांत रहो, इस सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप लोगों की मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386